सो एक दफा एक पाकिस्तानी स्कॉलर, पाकिस्तानी मौलवी साहब को, ये मुल्ला उमर के दौर की बात है, और बहुत ही बड़ा इन्होंने कोई फतवा लगा दिया उनके ऊपर, को पता नहीं क्या फतवा लगाया, आई डोंट नो, आई वाज नॉट फॉलोइंग दैट, बट आई रिमेम्बर द कोटेशन दैट दे गिव, मुल्ला उमर के जो स्पोक्समैन थे, दे सेड कि आपको बहुत ज्यादा पता है कि हम गलत है और आप ठीक हैं, तो ऐसा करते हैं आप अपनी कब्रें उखेड़ लें, हम अपनी कपड़े उखेड़ लेते हैं, हम अपनी कब्रों में से मुर्दे निकालते हैं, आप अपनी कब्रों में से निकाले, आपको पता चल जाएगा कि सही कौन गलत कौन है। अस्सलाम वालेकुम सलाम। सर, काइंडली मुझे एक क्वेश्चन जो है वो मेरे दिमाग में काफी टाइम से, कि जो शहादत होती है जिससे अल्लाह ताला ने कहा है कि शहीद को मरा हुआ ना कहो, तो उसका क्या कॉन्सेप्ट है? और हमारे इधर आजकल जो है, मैंने कहीं पे भी इस्लामियात, या अगर हमें पढ़ाई जा रही है, जैसी भी इस्लामियात हमें पढ़ाई जा रही है, लेकिन उसके अंदर मैंने कहीं ये नहीं देखा के मुल्क के लिए जान कुर्बान वाले करने को शहादत कहते हैं, लेकिन आजकल जितने भी हमारे मुल्क की के लिए जान कुर्बान कर रहे हैं उनको ये टैग लगा जाता है शहीद हुआ है, और उन्हें फिर कितनी कितनी तोपों की सलामी बिक जाती है। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है? मतलब मेरे समझ से बाहर है ये चीज, नहीं समझ आ रही है। ये जो कोटेशन है उसको नहीं मैं किसी तरीके से समझ पा रही, तो काइंडली इस हवाले से बता दीजिए। दो दो अलग चीजें हैं कि मुल्क के लिए अगर बंदे ने जान दी है और मुल्क के अंदर लड़ाई अल्लाह के लिए हो रही थी, हम तो ये कहते हैं ना मुल्क के लिए जान दिए, तो मुसलमानों का एक इलाका है, यहाँ मुसलमान रहते हैं, उस इलाके के ऊपर किसी ने धावा बोल दिया है, आप उस इलाके को ही डिफेंड करें ना, आप बंदों के सीने के साथ सीना लगा के तो नहीं खड़े हो गए, बंदे डिफेंड कर रहा हूं मैं मुसलमान, आप इलाके को ही डिफेंड करते हैं कि इस बाउंड्री से अंदर नहीं आना, यहाँ पे जो डिमार्केशन है उसके इस तरफ इस्लाम का इंतजाम है, तो ये एक ऐसा टेक्निकल मामला है कि आप फिर आप चाहें फिर जान दें आप उस इलाके के लिए, कोई मसला नहीं, मगर आपको पता है कि उस इलाके में क्या होना है, क्या होना चाहता है, क्या लोग क्या चाह रहे हैं, इस्लाम पे जिंदा हैं, उनको मार देंगे लोग आके, तो आप इस इलाके की बाउंड्री को डिफेंड करें, कोई मसला नहीं, आप शहीद ही होंगे मरते हुए, क्योंकि आपने जमीन मट्टी और दरख्त नहीं बचाने ना, मुल्क जमीन मट्टी और दरख्त नहीं होता, उसके लिए आप बचा रहे हैं कि नहीं यहाँ पे मुझे मुझे इस मट्टी से बहुत प्यार है, तो फिर तो आपको वैसे ही दिमाग चल गया आपका, ऐसा तो कोई भी नहीं करता, लोग ही बचा रहे होते हैं ना, इंसानों को बचा रहे होते हैं हम सर, सो द क्वेश्चन इज नॉट, दिस इज नॉट हाउ यू लुक एट इट, सो आई एम जस्ट सेइंग इस्लाम की जिसको रूह समझ आ गई है तो वो पाकिस्तान के लिए भी शहीद हो सकता है, वो चाइना में भी शहीद हो सकता है, वो इंडोनेशिया में भी शहीद होता है, तो रूस में भी, जब एक मजलूम को बचाएंगे आप जालिम के हाथों, तो मजलूम चाहे मुसलमान ना भी हो, जालिम चाहे मुसलमान ही क्यों ना हो, आप मजलूम को बचाते मरेंगे अल्लाह के लिए ना, कि अल्लाह ने हुक्म दिया हुआ है, तो आप अल्लाह ताला ने कहा कि जो अल्लाह के लिए मरेगा तो शहीद है, क्योंकि क्यों अल्लाह इंसाफ का इंतजाम कर रहा है वो अल्लाह के लिए, अल्लाह के नाम पे, कि मैं मुसलमान होने के तकाजे से मैं मजलूम को बचा रहा हूं, इसकी मिसाल सुन लें आप, ताकि आपको पता चल जाए कि ये मौलवियों ने कुछ अजीब वगरीब पेंट करके दिया मैं पिक्चर, उसके बाद कल्चरल साइकोलॉजी भी है ना हमारी, शहीद के लाभ तो ऐसे फैशन के तौर पर बताया, हर मरा हुआ बंदा मशहूर होगा तो शहीद ही मरेगा, एक अजीब सी बात है, मतलब इन्होंने खुद अडॉप्ट कर लिया, हैश टैग है जैसे शहीद हुई, सड़क पे एक बच्चा है, बच्चे को एक बंदे ने गाड़ी के नीचे कुचल देना है, तो चार बंदे खड़े हुए हैं सड़क पे, तो उनका क्या फर्ज बनता है, आप मुसलमान है मैं भी मुसलमान हूं, वो चार बंदे खड़े हुए हैं, बच्चा है और बच्चे गाड़ी आ रही है, और गाड़ी इतनी करीब आ जाएगी कि आप और बच्चे को ही बचा सकते हैं, अपने आप को नहीं बचा सकते, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे को बचाया जाए, बिल्कुल बचाया जाए। अच्छा समय अंदर की आवाज है ना आपकी, क्यों क्यों आपके अंदर की आवाज आई, क्योंकि अगर वो आपका बच्चा होगा तो आप चारों से एक्सपेक्ट करेंगे कि जान की बाजी लगा भाई बच्चे को बचा, यस, यस। मगर अगर उस बच्चे का नाम तारिक मसी है तब भी बचाया जाए, इंसान इंसान तो है ना, अच्छा जी मुसलमान। हाँ, आप अब आपके सवाल का जवाब आपको समझ आया कि आप ये नहीं देखते कि मुल्क क्या है तो कौम क्या है तो झंडा किस कलर का, आप देखते हैं मजलूम कौन है, उसको बचाना इस्लाम है, आपको अल्लाह के हुक्म का पता है ना, कि इस वक्त ये नहीं देखूंगा कि बच्चा क्रिश्चियन है हिंदू है मुसलमान है, मैंने बचाना है इसको, ये मारा जाएगा, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा ना कि आपने जाके उस फसाद को कत्ल क्यों नहीं किया, फमा लकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाह की राह में,
قتل کیوں نہیں کیا؟ کب؟ جب اللہ تعالیٰ نے کہا والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون، کہ جب وہ جب بوڑھے بزرگ عورتیں بچے، انسان مطلب نساء عورت، مسلمان عورت نہیں عورت، رجال مسلمان، رجل نہیں رجال، آدمی اور عورتوں نے فریادیں کرنی شروع کر دیں کہ یا اللہ ہمیں بچا اس بسی سے نکال، تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی راہ میں کیوں نہیں تم نے ان مظلوموں کو بچایا؟ ہمیں نے اسلام کا مطلب ہے کہ آپ مظلوم چاہے وہ کافر ہے یا چاہے وہ کالا ہے یا گورا ہے، مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، مظلوم ہے مسلمان کام ہے مظلوم کا ساتھ دے گا، ظالم چاہے مسلمان ہے چاہے نہیں، آپ نے ظالم کے خلاف کھڑا ہونا ہے مظلوم کے لیے، یہ ہے اسلام. آپ بتائیں ایک بھی مسجد سے آج تک یہ ڈیفینیشن ہمیں کیوں نہیں دی گئی؟ ہمیشہ فلسطین، یمن، کشمیر، بھائی اور بھی جگہ مظلوم تھے، آپ کو بڑا کرتے، ہر مسلمان کشمیر بھی فتح کر لیتا، فلسطین بھی فتح کر لیتا، ہر تیسری گلی پہ ایک مظلوم ہے، اس کو بچانے کی ٹریننگ کیمپ اللہ نے کھولے ہوئے تھے. ہم تو پاکستانی ہیں، ہمارے تو اپنے ساتھ والے گھر میں مظلوم ہوتے ہیں، ہم نہیں بچاتے. ہم نے سکوپ چھوٹے سے چھوٹا کرنا ہمارا شیوا ہے، چھوٹے لوگوں کی نشانی ہوتی ہے کہ بس پورا کام نہ کرنا پڑ جائے. میں نے آپ سے کہا نا افریقہ سے انڈونیشیا، آسٹریلیا سے یورپ، ساؤتھ امریکہ سے سائبیریا، جدھر جدھر بھی مظلوم ہے ان کو پتا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے اسلام کے نام پہ لوگوں نے ہمیں بچا لینا. آ کے یہ ہے اصلی مارکیٹنگ اسلام کی. اگر ہم مومن نہ بھی ہوتے نا، ہم خالی محافظ ہو جاتے نا، خالی محافظ ہو جاتے، تو ہمارے پاس اکنامک پاور بھی ہونی تھی، ہمارے پروسپیرٹی ہونی تھی، ہمارے پاس سوشل پروسپیرٹی ہونی تھی، دنیا میں سب سے باعزت لوگ ہم ہونے تھے. مگر نہیں، ہم نے کسی کو نہیں بچانا، تو اللہ نے کہا پھر میں تمہیں بھی نہیں بچنے دوں گا، تمہیں بھی نہیں بچنے دوں گا. مسلمان کہتے ہو اپنے آپ کو، تم کسی اور کو نہیں بچا سکتے تو تمہیں میں اس قابل نہیں چھوڑوں گا، اپنے آپ کو ہی بچاؤ. اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ صحابہ اکرام کی لائف کو اس اینگل سے دیکھیں. نبی علیہ السلام نے کہا کہ اگر مجھے اسلام سے پہلے کی کوئی چیز اسلام میں لانی ہوتی نا، جو بوسط کے پہلے کی تھی، تو میں حلف الفضول کو لے کے آتا. حلف الفضول اگریمنٹ کیا تھا؟ کسی مولوی صاحب کو اعتراض ہونا تو اس کو یہ آرگیومنٹ دے دینا. حلف الفضول کیا تھا؟ حلف الفضول وہ اگریمنٹ تھا جو قریشی اور مکہ کے سرداروں نے کیا تھا. اسلام سے پہلے ایک بھی مسلمان نہیں تھا اس میں. کیا تھا اگریمنٹ وہ؟ کہ کسی مظلوم کو ظلم کے ہتھے نہیں چڑھ، ظالم کے ہتھے نہیں چڑھنے دیں گے، ہم اکٹھے ہو جائیں گے اس کے لیے. نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں اس کو اسلام میں لے کے، اتنی خوبصورت چیز ہے وہ. ہمیں کیا بتایا جاتا ہے؟ امت کے علاوہ کچھ بھی ہو آپ کا ہیڈک نہیں ہے. یہ کون سا اسلام پہنچا ہم تک؟ اس لیے ہم غیرت کی کمی تھے، عزت کی کمی تک کا لیول آ گیا. غیرت ختم کرتی ہے قوم تو اس کی عزت بھی ختم کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. یہ بھی اسلامی غیرت تھی کہ الاسکا کے اندر بھی مظلوم کے لیے ہم پہنچے ہوئے ہوں. اب یہ حالات ہو گیا کہ ہمارے اپنے بچوں کو اٹھا اٹھا کے لے جاتے لوگ اور ہم نہیں نکلتے. سو دس از اے بگر پرابلم، دا بگیسٹ پرابلم. کہ آپ نے ڈیفینیشن تو لے کے آئے کہ بھائی کیا ہے یہ پاکستان انڈیا؟ نو نو نو، وی آر اباؤٹ ظالم اینڈ مظلوم. ہم وی آر ناٹ اباؤٹ پاکستان انڈیا. اگر پاکستان بھی ظلم کرے گا نا انڈیا پہ، تو پاکستانی مسلمان کھڑے ہو جائیں گے کہ ہم تیرے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. تم نے ظلم کیسے کیا کسی پہ؟ یہ ہے اسلام. مسلم آئیڈینٹی یہ ہوتی ہے کہ پاکستان پاکستان نہیں کھیلتے ہم، ہم ظالم اور مظلوم کھیلتے ہیں. پھر دیکھیں پاکستان کی عزت کہاں تک جاتی ہے، اللہ پھر عزت اوپر لے کے جاتے. ہم بس عمران خان، نواز شریف سے باہر نہیں آ رہے. اور یہ ابھی کا فیشن نہیں ہمارا، اس سے پہلے نواز شریف بے نظیر کا فیشن تھا، اس سے پہلے ضیاء الحق اور بھٹو کا فیشن تھا، اس سے پہلے فاطمہ جناح اور ایوب کا فیشن تھا. یہ چھوٹی قوم نے ہمیشہ ایسی گیمیں کھیلی. اسلام کی آئیڈینٹی پہ نہیں آئیں گے تو بڑی گیم نہیں کھیلیں گے. ہمارا ایک ہی کام ہے، ظالم کون ہے مظلوم کون ہے، بس. ہم یہ نہیں دیکھتے نام تمہارے کیا ہیں. ایک کا نام اگر ظالم کا نام محمد علی اور مظلوم کا نام طارق مسیح ہے، آئی ڈونٹ کیئر، ہم محمد علی کے خلاف ہی جہاد کریں گے. یاد رکھیے گا، بس یہ سمپلسٹی ہے. اور وہ مرے گا تو شہید ہوگا. اب یہ بات، شہید ہے کیا؟ اس کی زندگی کا تصور اللہ نے کہا تم نہیں کر سکتے. اب کہانی کھولنا جو ہے نا امپاسبل ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہہ دیا آئی ڈیڈ ناٹ گیو یو دیٹ برین،
ये इतना बड़ा मुअम्मा हल कर देती है, इतना बड़ा मुअम्मा हल कर देती है ये बात, ये आयत, कि कब्र का अजाब भी समझ आ रहा था इससे। शहीद कब्र में जाता ना, कब्र का अजाब समझ आ रहा था, जो कि शहीद नहीं होते उन पर अजाब आया होता। अल्लाह ताला ने कहा तुम तसव्वुर ही नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि तुम्हें मैंने वो ब्रेन नहीं दिया, इस गेम में मत जाओ, बस ये जरूर सोचो कि जो कुछ हो सकता है ना, जो भी तुम्हारी साइंसें खोलेंगी, साइंसदान खोल के देंगे, उस सबको इकट्ठा करके एटलीस्ट ये पिक्चर लेके आओ कि हाँ यार हमारे बस की बात नहीं है, बट यस पॉसिबिलिटी बहुत क्लियर हो गई है। मैंने अभी पहले सवाल के जवाब में आप लोगों को, यूट्यूब पे नहीं आया वो, ट्विटर के ऊपर हमने शुरू किया था ये सेशन पहले, उसमें मैंने एक्सप्लेनेशन दी है। और शहीद बहुत ही बड़ी जिरा है, हमारा आर्ग्यूमेंट है कि अल्लाह ताला ने अब कुरान पाक में कहा कि शहीद का तसव्वुर, तुम उसकी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि रियलिटी इज ऑफ अ टोटली डिफरेंट डेफिनेशन, और जो तुम्हें दे छोटा सा मैंने कुर्रा दिया है, तो बस इसी के अंदर अपने आप को फिरौन साबित ना कर लेना, तुम इसी के अंदर हो भी, इससे बाहर आओगे तो तुम्हें पता चलेगा जब आसमान के दरवाजे खुलेंगे। कुरान पाक की आयत सुना रहा हूं कि जन्नतियों के लिए आसमान के दरवाजे खुल जाएंगे, और दोस्ती के लिए आसमान अपने दरवाजे नहीं खोलेगा, समझे? सो समझने की कोशिश करें कि शहीद की इस आयत के बाद तो अल्लाह ताला ने मतलब वो वाला पेज खोल के दिखाया हमें कि जो उस कायनात की तरफ खुशबू आती है कि वो उधर जन्नत भी नजर आती है, उधर सारे कॉन्सेप्चुअलाइजेशन की एक खास महक नजर आ रही है हमें। जब अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं ना कि तुम तसव्वुर नहीं कर सकते, मगर ये इनको रिज्क मिल रहा है जैसे कि तुम्हें मिल रहा है, ऐसे ही जिंदा है जैसे कि तुम जिंदा हो, मगर तुम तसव्वुर नहीं कर सकते। आप पीछे में क्या मतलब, और क्यों मैं रॉकेट साइंस में जाऊं? अल्लाह ने सिंपली बोल दिया कि वैसे ही जैसे तुम हो, इनको मरा हुआ ना कहो, ये हकीकत में जिंदा है। अल्लाह ने वो लफ्ज इस्तेमाल किया जो मैं कब से इस सेशन में बोल रहा हूं, क्या लफ्ज? रियलिटी। द रियलिटी दैट यू नो यू कैन नॉट कॉम्प्रिहेंड, बट द रियलिटी दैट एक्चुअली आई नो एज द मेकर ऑफ एवरी रियलिटी, ये असल में जिंदा है। ये अल्लाह ताला ने शहीद के बारे में बात की। सो इसका मतलब यह है कि ये सारा कुछ इधर ही और ये सारा कुछ इधर नहीं है। इतना उर्दू बोलिए और दवा की नसें फट जाती हैं कि शहीद इधर ही दफन है मगर इधर नहीं, क्योंकि इस डेफिनेशन में नहीं है वो, मगर है इधर ही। ठीक है। सो एक दफा एक पाकिस्तानी स्कॉलर, पाकिस्तानी मौलवी साहब को, ये मुल्ला उमर के दौर की बात है, और बहुत ही बड़ा इन्होंने कोई फतवा लगा दिया उनके ऊपर, को पता नहीं क्या फतवा लगाया, आई डोंट नो आई वाज नॉट फॉलोइंग दैट, बट आई रिमेम्बर द कोटेशन दैट दे गिव। मुल्ला उमर के जो स्पोक्समैन थे, दे सेड कि आपको बहुत ज्यादा पता है कि हम गलत है और आप ठीक हैं, तो ऐसा करते हैं आप अपनी कब्रें उखेड़ लें, हम अपनी कब्रें उखेड़ लेते हैं, हम अपनी कब्रों में से मुर्दे निकालते हैं, आप अपनी कब्रों में से निकालें, आपको पता चलेगा कि सही कौन गलत कौन है। उसका मतलब पता क्या था? हमें तो पता है कि शहीद नहीं मरता, समझ आ जाएगी, नजर आ जाएगी। पाकिस्तानी स्कॉलर्स को उन्होंने ऐसे एक थप्पड़ सीध किया कि ज्यादा ना हमें फतवे लगाओ या हमारे सही गलत की बातें बताओ, आपके अपने सही के ऊपर जो लोग मरे हैं उनको आप कब्र में से निकालें, और हमारे सही के ऊपर जो मरते हैं हम खुद ही फैसला हो जाएगा। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल वे ऑफ सेइंग कि बेटा इस्लाम एक ही है, डेफिनेशन एक ही है, कुरान एक ही है, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कि उन आयतों का तर्जुमा मेरी कब्रों में पूरा उतरता है या तेरी कब्रों में पूरा उतरता है, कि शहीद कौन हुआ है। ठीक है। सो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको ये कोटेशन इसलिए दिया है बिकॉज रोंगटे खड़े हो गए थे मेरे जब मैंने ये इनके खतूत छपे हुए, उस वक्त तो ये पीटीवी या पता नहीं क्या इसके ऊपर चल रहा था ना ये सारा प्रोग्राम।